ठीक है, तो समझ लो हमारे हमको माउस ओके। सो लेट अस टेक वन प्रॉब्लम। अगर समझो आपको ऐसा क्वेश्चन है 92 में, थोड़ा मल्टीप्लिकेशंस जल्दी जल्दी कैसा करना बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास नंबर्स ऐसा है 92 × 98, आई विल गिव सम एग्जांपल्स एंड देन उसका शॉर्टकट कैसा आता बताता हूँ। और एक नंबर है सपोज 73 × 77, मल्टीप्लिकेशन है वो भी। और एक नंबर है 24 × 26, और एक नंबर है समझो 19 × 11, ठीक है। ऐसा मैं चार क्वेश्चन दिया, ये चार क्वेश्चन में देखे तो आपको कुछ सिमिलरिटी लग रहा है क्या? ये चारों क्वेश्चन में थोड़ा कुछ कॉमन है, आपको कुछ लग रहा है क्या? ये क्या कॉमन है बोल के सर दादा, क्या बता दीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आप आंसर बोलने के बाद माइक बंद कर दीजिए, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा, तो इधर 9 9 सेम है, इधर 7 7 सेम है, इधर 2 2 सेम, और इधर 1 1 सेम, ठीक है ना। वेरी गुड, बोले तो टेंस प्लेस वाला सेम है, टेंस प्लेस कॉमन है, प्लेस सेम है। और एक बात भी है, आप वंस प्लेस देखो, बोले तो ये वाला इधर भी थोड़ा कुछ स्पेशल है। कैन यू टेल व्हाट इज दैट? इस तरफ भी राइट साइड वाला, हर नंबर में राइट साइड वाला देखो, वहां इसका भी। सम 10 है। वेरी गुड, सॉरी हाँ उसका दोनों, या वेरी गुड वेरी गुड, ओके। वो दोनों ऐड करे तो आपको 10 आता है ना। तो जब ऐसा नंबर हमारे पास है, इसका आंसर बोलना बहुत आसान है, मैं वो तरीका आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो जब आपका, बोले तो कंडीशन क्या है, टेंस प्लेस सेम रहना, टेंस प्लेस सेम रहना है, और यूनिट्स प्लेसेस ऐड करे तो 10 आना है, ओके 10 आना है। तो जब ऐसा है ना, तो हमको एक शॉर्टकट है, मैं बताता हूँ वो शॉर्टकट। 92 × 98 है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं देखो आप। तो ठीक है, ये 9 है ना, 9 ले लो, और 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है जनरली? 9 के बाद कौन सा नंबर आता है जनरली? 10। 10 तो 9 × 10 करो, कितना आता 9 × 10? 90 90 लिखो, 90 हाँ ठीक है 90 लिखो। फिर उसके बाद 8 × 2, ये 8 × 2 कितना होता? 16 तो यही 16 आंसर है, यही 16 आंसर है, हाँ ठीक है, ये आंसर होगा इसका। और एक नंबर ले लेंगे, 73 × 77 है ना, सर फिर से आई कांट अंडरस्टैंड। हाँ वही। और एक बता रहा हूं ना, वो देख लो तब समझ में आता, देखो। और इसीलिए इतना चार एग्जाम्पल लिया, अगर एक एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया तो आप दूसरा एग्जाम्पल समझने के लिए कोशिश कर सकते, ठीक है ना। अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो फिर मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो इधर देख लो, पहले हम देखना है ये दोनों सेम है, और ये दोनों ऐड करे तो 10 आता है। तो ऐसा है ना, तो अभी शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट क्या है, ये वाला 7 ले लो, 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? एट ए, तो 8 होता, एट तो या 7 × 8 करो, फिर 7 × 8 56 56, ठीक है ना, 56। फिर उसके बाद 7 × 3 करो, ये 7 × 3 कितना होता? इधर देखो स्क्रीन पे, 7 × 3 21 21। तो ये आंसर हो गया, समझ में आया, समझ सर। में आया। सर एक चीज पूछना है हाँ बता दीजिए बता दीजिए। सर, जैसे कि आपने पहले में किया 9 × 10, उसमें 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, पर इसमें हाँ हमने 8 से किया, तो इसमें हाँ हमें कैसे पता चलेगा किसमें 8 से करना है किसमें 10 से करना है? या आई एम टी, मैं बोल रहा हूं ना, ये 7 है, 7 का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो,
ये सेवन है, सेवन का नेक्स्ट मतलब क्या है, ये इधर नाइन है ना, नाइन का नेक्स्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी नंबर होगा उसके नेक्स्ट नंबर से करना होता है। हाँ 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 समझ में आया। ओके सर। अच्छा ठीक है, तो अब ये देखो 24 इंटू 26 करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, 24 इंटू 26, तो अब आप बता दीजिए क्या आने वाला है, देखो बता दीजिए। 2 into 3। वेरी गुड, 2 into 3 तो 6, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद 6 into 4, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया ना। और एक प्रॉब्लम देखेंगे, और एक देता हूं मैं, 34 into 36, अब ये बताओ आप कितना आता, बताओ जल्दी। 3 4 12, या 3 है ना इधर, सो 3 into 3 उसका नेक्स्ट नंबर 4, सो 3 into 4 12, फिर उसके बाद 12 24 6 into 4 24, समझ में आया ना। ओके गुड, 12 24, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके तो मैं नेक्स्ट नंबर पूछूंगा, अभी थोड़ा ध्यान से बोलना, थोड़ा ध्यान रख के बोलो, ठीक है ना। चलो इसका बोलो आंसर, 1 into 2 2, या गुड, 1 into 2 2, चलो उसके बाद 29 into 1, तो क्या लिखना, 29। अरे उतना छोटा, आप थोड़ा सोचो, इतना छोटा नंबर आता क्या, 29 बहुत छोटा है ना, क्या बोलना आपको, 1 into 9 कितना आया, 0 9 2 0 9 आएगा, लेकिन 0 लगा लो, आपको समझ में आया मैं 0 कहीं को लगाया बोल के, अगर मैं 0 नहीं लगाया, क्योंकि सर डिजिट से पहले 0 की वैल्यू कोई होती नहीं है। हाँ तो अगर मैं उधर 0 नहीं लगाया तो वो बहुत छोटा नंबर हो गया ना, तो आपको मालूम हो जाता, अरे ये गलती हो गया बोल के, समझ में आ रहा बच्चा। हेलो कैको, हम सो या सो, तो इसका मतलब क्या है, हम हमेशा हमारा कॉमन सेंस भी अप्लाई करना, सिर्फ बाई हार्ट नहीं करना, बोले तो इधर 16 into 4 24 आया लिख लिया, इधर 7 into 3 21 आया लिख लिया, अच्छी बात है, ऐसे ही 1 into 9 9 आया, डायरेक्टली 9 मत लिखना, लिखते वक्त आप थोड़ा सोचना भी, दिमाग लगाना हमेशा, ठीक है ना, नींद में नहीं लिखना, ठीक है ना। तो अरे 29 तो बहुत छोटा है, ये आने वाला नहीं है, तो 09 ये तो, ये थोड़ा बराबर है, क्योंकि देखो 19 into 10 करे तो ही आपको 190 आता ना, लेकिन आप 11 से कर रहे, थोड़ा एक्स्ट्रा से कर रहे, आप सिर्फ 10 से करे तो 190 आता, आप 10 से थोड़ा बड़ा नंबर से कर रहे तो आंसर भी इससे थोड़ा बड़ा आना है ना, 190 से थोड़ा बड़ा आना है, वो कॉमन सेंस है, तो आप 29 लिखना गलत होता ना, लाइक दैट यू हैव टू थिंक, ठीक है। ओके सो ये मॉडल आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आया, ये मॉडल की प्रॉब्लम आपको समझ में आया, ये मॉडल की प्रॉब्लम आपको अच्छा, तो मैं अभी दूसरा मॉडल का प्रॉब्लम सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ एक लाइन ऐसा ड्रा करो, आप सर, हाँ बता दो, बताओ बताओ, 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो तो, या मैं बताता हूँ अभी, देखो अभी ये क्लास में आप कौन सा क्लास पढ़ रहे भैया, आप जो पूछा 3 नंबर वाला, कौन सा क्लास, आप कौन सा क्लास है, 3 नंबर पूछा था, 6th क्लास, लेकिन हमारा, हाँ ठीक है मैं वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हमारा क्लास में 3rd क्लास बच्चा भी एक बैठ गया, तो मैं अभी वो 3 नंबर का बोले तो थोड़ा उसको प्रॉब्लम होता ना, हम उसको भी ध्यान में रख के छोटे छोटे बोल के पहले, फिर बड़े बड़े, वी कैन डू दैट, हां या सो आई विल टेल दोस आल्सो, ठीक है ना, बोल तो लेट अस गो इन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, पहले 2 नंबर वाला होने दो, ठीक है ना, तो 2 नंबर क्या है, 3 नंबर करेंगे, 4 5 नंबर का भी करेंगे हम, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब लोगों को समझ में आना, ऐसा नहीं कि एक आदमी को समझ में आया, ठीक है। तो एक मॉडल हो गया, लेकिन वो मॉडल में आप ये कंडीशंस जरूर याद रखना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो देन यू कैनॉट डू दिस वे, ठीक है ना। सो हमेशा कंडीशंस इस्तेमाल करना, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके सो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ओके सो मैं इधर लिखता हूं अभी, नाउ आई एम राइटिंग क्वेश्चन सी, 28 88
मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और 19 इंटू ओके 99, और एक है 34 इंटू 74, और एक लिखूंगा 56 इंटू ओके 56, ओके। सो ये चार नंबरों में, इधर चार प्रॉब्लम्स में क्या स्पेशलिटी है बताओ? सो कि पहले डिज पहले जो लिखा है सर, टेंस जो नंबर है वो सेम है सर, टेंस प्लस का जो ऐड होगा उसका सम 10 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये पिछला प्रॉब्लम सर किया था, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मतलब हम इसमें, मतलब इसमें ऐसा करना है कि जो, मतलब जो आपने जो फर्स्ट चार दिखाए थे उसमें टेंस जो नंबर था वो सेम थे उसमें, हाँ लास्ट नंबर सेम है। या ये देखो देखो, तो इसमें तो, लास्ट नंबर, हाँ, देख लो देख लो, ठीक है। तो ये जोड़े तो आपको 10 आता है, ये ऐड करे तो आपको 10 आ रहा है, इधर भी ऐड करे तो 10 आ रहा है, और ये दो नंबर सेम है, सेम है, ठीक है ना। यूनिट्स प्लेस सेम है, सो इधर क्या है कंडीशन, यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस सेम, ठीक है, और टेंस प्लेस जोड़े तो 10 आता है, ठीक है ना। तो ऐसा है तो भी एक शॉर्टकट बताता हूं, देखते रहो, अभी ध्यान से सुनते रहो, पहले सुनो अच्छी तरह, दो प्रॉब्लम्स में बताता हूं, उसके बाद आप बोलना शुरू करो, ठीक है। तब तक ध्यान से सुनो पहले, ठीक है, बीच में बात मत करो, थोड़ा सुनो। हाँ, 28 88, देखो क्या करता हूं, पहले जैसा मैं ड्रा कर रहा हूं वो देखो आप, 2 into 8 कितना होता, 2 into 8 10 16 into बोलना ना, मैं into बोल तो गुण करना, मल्टीप्लीकेशन करना, 2 into 8 तो कितना 16, हाँ, प्लस 8, ये 8 ऐड करना, सी दिस 2 into दिस 8 मल्टीप्लाई करो, फिर ये 8 ऐड करो, सो 2 8 88, या सो दिस into दिस 16 प्लस 8 तो 24, सो 24 बोले तो आप एल शेप कर रहा है, इधर मल्टीप्लीकेशन इधर एडिशन, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर एडिशन करो, लाइक दैट। तो पहले ये मल्टीप्लाई करो 16, फिर प्लस 8 करो 24, फिर उसके बाद 8 into 8 64, तो ये आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1999, ठीक है, इधर देखो, इधर देखो 1 into 9 करो, पहले कितना आता 1 into 9 9 प्लस ये 9 करो कितना आता 18 लिखो, उसके बाद 9 into 9 81, ठीक है ना, समझ में आ रहा, ठीक है ना, घर में बोलो ना, थोड़ा आवाज मत करना बोल के, घर में बोलो ना सब लोग, यस सर, हाँ सब लोग थोड़ा आवाज मत करो बोल के बोलो, मैं आपका माइक ऑन क्यों रखा बोले तो आप क्वेश्चन पूछना है, इसलिए आप लोगों का माइक को मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, हाँ सर प्लीज टेल अगेन, हाँ मैं बताता हूँ, थोड़ा आवाज कम होने दो, मैं बताता हूँ, ठीक है ना, मैं पूछ बोलता हूँ, ठीक है ना, आप भी क्वेश्चन पूछने के बाद माइक बंद रखते रहो सब लोग, ठीक है, और भी आवाज आ रहा है अखिलेश का, हाँ ठीक है, ओके। तो मैं बताता हूँ, आप सब लोगों का माइक बंद कर दिया, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखते रहो, और एक प्रॉब्लम बताता हूँ, देखो हम पहले ऐसा कर रहे, नीचे आओ ऐसा, फिर ऐसा जाओ, प्लस करते वक्त, नीचे आते वक्त मल्टीप्लाई करो, राइट साइड जाते वक्त प्लस करो, तो ये आ गया। तो एग्जांपल और एक देता हूँ, देखो और एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, समझो 34 74,
सो पहले 3 × 7 कितना हुआ, 3 × 7 कितना, 21 हाँ ठीक है प्लस 4 25 हाँ फिर उसके बाद 4 × 4 कितना 16 अच्छा बस ठीक है तो चलो इसका आप बता दो 56 × 56 आप बोलो इसका क्या होता बताओ पहले मैं क्या करूँ बोलो 5 × 5 25 वेरी गुड फिर उसके बाद प्लस सिक्स अच्छी वेरी गुड तो क्या आंसर 31 फिर उसके बाद 6 × 6 = 36 वेरी गुड ओके आ गया आपको ठीक है ना आप अच्छा बोल रहा है ठीक है ना ठीक है और एक एग्जांपल 36 × 48 या वो अलग ही क्वेश्चन है ना वो ये रूल देखो ये क्वेश्चन क्या है ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये प्रोसीजर है देखो हम एक एक मॉडल की प्रॉब्लम्स करते जा रहा है ठीक है ना अभी आप जो क्वेश्चन पूछा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते ना तो हम वैसे तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हम बाद में देखेंगे मैं अभी थोड़ा जल्दी कौन सा प्रॉब्लम्स कर सकते वो मेथड बता रहा हूँ देखो एक समय में एक ही तरह की क्वेश्चन बोल सकता हूँ ना एक ही समय में 10 क्वेश्चन नहीं बोल सकता हूँ ना तो हम हल्लू हल्लू एक एक मॉडल देखेंगे समझ में आया तो आप जो क्वेश्चन पूछा ये अभी तो हम दो मॉडल क्वेश्चन अभी तक देखा वो मॉडल में ये दोनों क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आता ठीक है तो हम इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस कैसा करना हम थोड़े देर के बाद देख सकते हैं ठीक है बोल तो अगर आज टाइम है तो आज या नहीं तो कभी दूसरे क्लास जब रहता तब ठीक है ना yes, या करने के लिए देखो आपको स्कूल में कैसे भी पढ़ाया कोई भी प्रॉब्लम देने दिए तो आप तो नॉर्मल मेथड क्या है 8 × 6 = 48 8 × 3 = 24 और प्लस 4 करे तो 28 हो गया और ये इधर 4 × 6 = 24 4 × 3 = 12 और ये 14 दिस इज द नॉर्मल मेथड तो एनी प्रॉब्लम आप नॉर्मल मेथड से तो हर बार कर सकते लेकिन मैं इधर कुछ शॉर्टकट्स सिखा रहा हूँ तो शॉर्टकट्स करने के लिए हर नंबर के लिए तो शॉर्टकट नहीं रहते सम स्पेशल केसेस सम स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स है तो हम उसके लिए कुछ शॉर्टकट निकाल सकते इधर जैसा है समझो इसके लिए नॉर्मल मेथड ही अच्छा है या नहीं तो इसमें भी थोड़ा चाहिए तो आप कर सकते देखो कैसा अगर इसमें भी थोड़ा आपको दूसरे मॉडल से करना है तो इसको पहले 12 × 3 कर दो फिर उसके बाद इसको 12 × ठीक है ये 4 होता है ठीक है तो ये 3 × 4 क्या है 12 सो दिस इज नथिंग बट 12 × 12 × 12 सो 12 क्यूब ओके तो अगर आपको क्यूब्स सम कई लोग याद रखते 1 क्यूब क्या है 2 क्यूब क्या है 3 क्यूब क्या है ऐसा अगर आपको भी याद है तो डायरेक्टली आप इतना आंसर तो लिख भी सकते ठीक है बोल तो एक एक प्रॉब्लम के लिए अप्रोच एक एक जैसा रहता है हर कुछ प्रॉब्लम के लिए जनरल मेथड तो ये है जो हमको सबसे पहले टीचर्स हमको स्कूल्स में पढ़ाते ठीक है आपको कुछ भी शॉर्टकट याद नहीं आया तो नॉर्मल मेथड में करते रहो बस आपको पक्का आंसर आएगा लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ठीक है ना ऐसा ठीक है तो अभी तक हम मेनली दो मॉडल की क्वेश्चन देखें और अभी हम तीसरा मॉडल की क्वेश्चन देखेंगे ठीक है तो आप भी ऐसा एक लाइन ड्रा करते रहो एक एक मॉडल की क्वेश्चन होने के बाद ऐसा आपका पेपर में ऐसा लाइन ड्रा करो ठीक है फिर मैं दूसरा कलर लेता हूं आपको भी समझ में आ जाता तीसरा मॉडल की क्वेश्चन अब हम देखेंगे ठीक है तो इधर क्या करेंगे अगर समझो आपको 2 नंबर दिया गया और वो 2 नंबर 100 के आसपास में है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 92 है और 97 है ओके एक मिनट ठहरो आपके पास या 92 है और एक मिनट ठहरो हाँ या 97 है ओके ये एक नंबर है या नहीं तो आपके पास 93 है और 95 है ओके या नहीं तो 97 है और 98 है अब देखो यहाँ 10 नहीं आ रहा है ये ऐड करे तो आपको 10 नहीं आ रहा है सो दिस प्रॉब्लम
क्या है बोले तो दोनों नंबर 100 के आसपास में है, दोनों नंबर 100 के आसपास में है, दोनों नंबर 100 के आसपास में है। तो ऐसा जब है तब एक शॉर्टकट में अभी बताता हूं, ठीक है ना। तो पहले आपको क्वेश्चन क्या है उसका वो मॉडल कौन सा मॉडल है पहचानना पड़ता। जब ये दोनों नंबर 100 के बहुत पास पास में है तो क्या करना। हेलो हेलो, हाँ कुछ बोल रहा है बताओ सर। हाँ सर, जैसे अपन को और डिजिट लेते हैं, हाँ इसके अलावा तो मैं सर वो वेरिंग मैच के तरीके से मैं सर वो उसका आंसर नहीं निकल रहा। जैसे मैं वही बोल रहा हूँ ना भैया, देखो हम क्लास आज ही शुरू किया और हम क्लास शुरू करके सिर्फ 15 मिनट हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक एक मॉडल की क्वेश्चन बोल रहा हूँ। जब आप पूरे क्लासेस सुनते तब आपको मेनी प्रॉब्लम्स को कैसा सॉल्यूशन करना मालूम हो जाता। अगर समझो मैं ये क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो सर, फर्स्ट क्लास के लिए भी है। आप फर्स्ट क्लास बच्चा है क्या? Yes, sir. अच्छा अच्छा, अरे आप इतना छोटा बच्चा है तो मैं आपको क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, आपको मैं कुछ सर, अभी 10-15 दिन हुए हैं, हमने 10-15 दिन हुए तो गुरुकुल में एडमिशन कराया। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन आप बहुत छोटा बच्चा है, मैं क्या बोल सकता हूँ आपको। मैं चाहिए तो आपके लिए शास्त्रीय संगीत सुना सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हाँ देखिए, पहले ये तो थोड़ा आप थोड़ी देर आराम से सो जाइए, आप फर्स्ट क्लास बच्चा है, आप खेल कूद लो, खेलने के लिए चले जाओ। आप फर्स्ट क्लास ही है ना, आप अभी खेलने का। जी सर। हाँ ठीक है, आप आराम से खेल लो, ठीक है, ये प्रॉब्लम सब बाद में सीख सकते हैं, फर्स्ट क्लास बच्चा है आप तो, ठीक है। आप थोड़ा भजन सुनते रहो या कुछ, ठीक है, शास्त्रीय संगीत सुनने का ऐसा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये शायद 5th क्लास और ऊपर के बच्चों को थोड़ा, फोर्थ क्लास के लिए बच्चों को चलता है ना। क्या क्या? फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए चलता है ना। चलता बोल तो उसको ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, फर्स्ट क्लास बच्चों के लिए ये क्लास नहीं है, ये क्लास कम से कम 5 क्लास 5th क्लास और उसके ऊपर को थोड़ा समझ में आता, बहुत छोटा बच्चों के लिए ये थोड़ा समझना इतना आसान नहीं है और उसके आवश्यकता भी नहीं है इतना बचपन में। हाँ हाँ बता दीजिए सर, मेरा नेट इशू हो रहा सर, मैं सुन नहीं पा रहा सर, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दोगे आप? या रिकॉर्डिंग मैं सेंड करता हूँ आपको, आप भी रिकॉर्ड कर लो चाहिए तो, ठीक है सर। हमारे तरफ से तो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो होस्ट शिप कर सकते हैं। हाँ या मैं कर रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके सर। हाँ ठीक है, तो आप आपका मेल आईडी मेरे को दीजिए। कैन यू सेंड रिकॉर्डिंग इन द व्हाट्सएप? या मैं सेंड करता हूँ, आप अपना मेल आईडी टाइप करो, मैं सेंड करता हूँ। आप चैट बॉक्स में टाइप मेल आईडी टाइप करो तो मैं बाद में सेंड करता हूँ, ठीक है ठीक है। हाँ वही व्हाट्सएप मेल आईडी या फोन नंबर सेंड टाइप करे तो मैं सेंड करता हूँ, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो अभी तो पहले मेरे को ये बोलने दो, ठीक है ना, ठीक है, अभी टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप बहुत दिन देखो ये पूरा क्लासेस सुने तो आपको अलग अलग मॉडल की क्वेश्चन आता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके ना। तो ये मॉडल जब जो मॉडल मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट करो ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी ये 92×97 है, ये मॉडल क्या है बोले तो दोनों नंबर 100 के आस पास में है, ओनली दैट इज द कंडीशन, दूसरा कोई भी कंडीशन नहीं, और दोनों नंबर 100 से कम है, दोनों नंबर 100 के आसपास में है और दोनों नंबर 100 से थोड़ा छोटा नंबर है, इधर भी दोनों नंबर 100 के पास पास में है और 100 से छोटा है। तो अब तब क्या करना वो मैं बोल रहा हूँ, देखो थोड़ा ध्यान से। तो 92 फिर एक बार लिख रहा हूँ, 92 और 97, तो आपको समझ में आने के लिए मैं थोड़ा स्टेप्स लिखता हूँ। आप पहले, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो इसलिए मैं पूरा स्टेप्स लिखूंगा, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद हम शॉर्टकट के रूप में करते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा आप पेशेंस रख के सुनना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करना, तो क्या करते देखो, ये 100 से कितना कम है बताओ, ये 100 से कितना कम है? 8। तो मैं क्या करूंगा, बाजू में मैं
इसके बाजू में 8 बोल के लिखता हूँ, ठीक है, इसके बाजू में 8 माइनस 0 8 लिखूंगा, फिर ये सौ से कितना कम है दूसरा नंबर बताओ, 3, ठीक है, तो माइनस माइनस 0 3 लिखूंगा, ठीक है, तो क्या करूंगा, एक्चुअली आप फाइनल एग्जाम में जब आप एग्जाम्स लिख रहा है यू नीड नॉट राइट दिस, ये आपके समझने के लिए मैं लिखा, एक बार समझने के बाद ये लिखने का आवश्यकता नहीं होता आपको, ठीक है, लेकिन पहले बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, चलो आप क्या करना, इससे ये दोनों को जोड़ो, ये क्रॉस क्रॉस में दोनों को जोड़ो, 92 और माइनस 3 कितना होता, 92 माइनस 3 कितना, ठीक है ना, या नहीं तो ये, हाँ ठीक है ठीक है, ये दोनों करके देखो, ये वाला 97 और माइनस 8 करो 89, तो आप ऐसा भी करो, तो इसका मतलब क्या है, आप ऐसा करो या ऐसा करो आपको सेम आंसर आता है, आप ऐसा करो या ऐसा करो सेम आंसर आता है, तो आपको जो आसान है वो करो, तो ये प्रॉब्लम में ये वाला आसान है तो ये वाला करो और 89 लिख लिया, फिर उसके बाद क्या करो, माइनस इंटू माइनस क्या होता बताओ, माइनस इंटू माइनस प्लस, वेरी गुड, ठीक है प्लस, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड, प्लस होता ना, तो माइनस इंटू माइनस हमको प्लस आता है, तो जब प्लस आता है हम क्या करना, आंसर इसके बाजू हम लिख सकते, ये बाजू में हम लिख सकते, क्या लिखना, 3 × 8 कितना बताओ, 3 × 8 24, तो आंसर क्या 24. है, हाँ 8924 इज द आंसर, बस उतना ही, मैं सुनो मैं 2-3 एग्जाम्पल और भी देता हूँ, आप थोड़ा पेशेंस रख के सुनो तो आप कभी भी भूल नहीं जाएगा, ठीक है ना, ऐसा तो अभी थोड़ा ध्यान दे दो, दूसरा प्रॉब्लम बताता हूँ सेम मॉडल, थोड़ा हल्लू हल्लू सुनो आराम से, फिर बाद में शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है, तो हम पहले देखना है दोनों नंबर सौ के पास पास में है, वेरी गुड, और दोनों नंबर छोटे छोटे सौ से छोटा छोटा है, ठीक है, तो क्या करो 93 के बाजू ये कितना कम है, 7, ओके सो माइनस 07, फिर 95 कितना कम है, 5, तो माइनस 05, तो फिर इसको इसको जोड़ो कितना आता है, 93 माइनस 5 88, अगर आपको डाउट, हाँ अगर अगर आपको डाउट आए तो आप ये भी करके देख सकते हैं, ठीक है ना, एक ही करे तो बस है, लेकिन डाउट, हाँ ठीक है ना, ये भी हाँ, फिर माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस, तो जब प्लस, हाँ जब प्लस आएगा तब हम इधर बाजू लिख सकते, 5 × 7 35, ओके तो 8835 आंसर है, तो नाउ आई विल टेल हाउ टू राइट इन द एग्जाम, आप इतना पूरा स्टेप्स मत लिखना, ये पूरा लिखना बैठ गए तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्टली कैसा करना, अब मैं एक एग्जाम्पल में देता हूँ, ठीक है, तो चलो हम ये एग्जाम्पल ले लेंगे, 97 × 98, एग्जाम में ये बाजू वाला पूरा मत लिखना, आप डायरेक्टली कैसा करना बताता हूँ, देखो आप मन में सोचना, मन में क्या सोचना, ये नंबर सौ से कितना कम है, नंबर 3 कम है ना, तो 3 को इधर से हटा दो, ये नंबर पहला नंबर 3 कम है तो वो 3 को दूसरा नंबर से हटाओ, कितना आता, 95, तो 95 डायरेक्टली लिखना, ठीक है ना, आप मन के अंदर सोच के 95 डायरेक्टली लिख लिया, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते, पहले ये नंबर ले लो, ये नंबर 100 से कितना कम है, 7, ये नंबर ये 2 कम है ना, तो 2 को इधर से निकालो, ये नंबर 2 कम है तो 2 को इधर से निकालो, कितना आता, 95, या समझ में आया, तो ऐसा 95 डायरेक्टली लिख लेना, लिख लिया, फिर लिखने के बाद क्या करना, आप मन में ही सोचना ये नंबर 3 कम है और ये नंबर 2 कम है, ठीक है, तो आपको कम कम मन के अंदर सोचना, कम 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 बोले तो माइनस माइनस, कम कम बोले तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस, हाँ तो प्लस होता, ठीक है, हेलो हेलो सुन लो ना पहले, हेलो या सो कम कम तो
प्लस होता, प्लस हुए तो डायरेक्टली लिख सकते। नेक्स्ट क्या है, ये तीन कम है, ये दो कम है, तो टू इंटू थ्री कितना होता? सिक्स। सिक्स होता, लेकिन हम कैसा लिखना? सिर्फ सिक्स लिखा समझो। हाँ, हम सिर्फ या जीरो सिक्स लिखना, क्योंकि सिर्फ सिक्स लिखा समझो, ये बहुत छोटा नंबर हो जाता। ठीक है, इतना छोटा नंबर कैसा आता? क्योंकि ये तो 97 इंटू 98 करे तो इतना छोटा नंबर नहीं आता ना। तो ये दो दो नंबर देखो, हम हमेशा दो नंबर के रूप में लिख रहा है। क्यों बोले तो आप ऐसा भी बोलते हो, एक शॉर्टकट के रूप में याद रख सकते। जब हम सिंगल डिजिट इंटू सिंगल डिजिट की मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है ना, तो हम लिखते वक्त डबल डिजिट के रूप में लिख रहा है बोल के, ठीक है ना। जब हम सिंगल डिजिट इंटू सिंगल डिजिट कर रहा है, आंसर लिखते वक्त हम उसको डबल डिजिट के रूप में लिख रहा है। अगर आपको सिर्फ एक डिजिट आया, बोले तो सिक्स आया, तो आप डबल डिजिट के रूप में लिखने के लिए जीरो सिक्स ऐसा लिख रहा है, तो आप ऐसा भी इसको समझ सकते। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप आंसर बोलने के लिए कोशिश करो, ठीक है। तो मैं इधर क्वेश्चन देता हूं, ये मॉडल जैसा मैं बताया वैसा करने के लिए कोशिश करो। 94 इंटू 95, तो ट्राई करके बताओ, जैसा मैं बोला वैसा ट्राई करो। आप अपना पेपर में करके मेरे को सही आंसर बोलना, कौन बताएगा मैं देखूंगा। 8930 ठीक है, मैं देखता हूँ 8930 मैं देखता हूँ, 30 आया है क्या? 30 ठीक है, मैं देखता हूँ। देखो पहले क्या करना, ये 6 कम है, ये 6 कम है, तो वो 6 को मैं इधर से निकालूंगा, तो ये 6 कम है, वो 6 को इधर से निकाले तो मेरे को 89 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 6 कम है, ये 5 कम है, तो कम कम बोले तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। फिर ये 6 है, ये 6 कम, ये 5 कम, तो 6 इंटू 5 30, वेरी गुड। तो कौन बताया सबसे पहले? उस बहुत अच्छा बताया। नाम क्या, आपका नाम क्या है? हाँ धन्या, हाँ आप कौन सा क्लास है? बहुत अच्छा, फास्ट बताया, आप कौन सा क्लास है? हाँ वेरी गुड सुपर बताया आप, ओके धन्या एंड त्रिलोक, वेरी गुड, ओके या अदर्स आर आल्सो टेलिंग करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मॉडल देखो, और एक प्रॉब्लम भी देता हूँ थोड़ा हमेशा के लिए याद रहने के लिए, और एक प्रॉब्लम देता हूँ देखो। चलो एक बार कोशिश करो इसको, सर 9114 अच्छा तो sir, देखेंगे, 9114 हाँ देखेंगे मैं एक बार देखना। 91, हाँ, ओके देखता हूँ मैं। आप मेरे से बहुत फास्ट जा रहा है, मेरे से भी आप बहुत फास्ट बोल रहे, देखेंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, समझो ये दो कम है, ये 100 से दो कम है, वो दो को मैं इधर से निकाल दूंगा, तो मेरे को 91 आता है। फिर उसके बाद ये 7 कम है और ये 2 कम है, ओके, तो कम कम तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, ये 7 और ये 2, तो 7 इंटू 2 14, ठीक है 9114, वेरी गुड, ओके ना। तो इसमें मैं थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चंस देता हूँ, अब थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता, ये ही मॉडल है लेकिन हम 100 से थोड़ा दूर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से सुनो, आप जल्दी जल्दी में गलत मत बोलना, जल्दी जल्दी बोलना बोल के गलत मत करना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, 92 इंटू 85 कर रहा हूँ, देखो अभी भी दोनों नंबर 100 के आसपास में है और 100 से कम है, ओके, लेकिन ये 85 है ना, ये 100 से थोड़ा बहुत दूर है, तो अभी आंसर्स अभी भी सेम मॉडल से कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ध्यान से करना पड़ता आपको। मैं पहले एक सुनाता हूँ, आंसर इज 77,120। हाँ बताओ, एक बार बताओ, 77,120। हाँ वो इसीलिए बोल रहा हूँ भैया, इतना बड़ा नंबर कैसा आता?
आप थोड़ा सोचो, देखो आप, ठीक है आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान से सुनना भैया, क्योंकि देखो इधर हमको 93-98 है ना, 93-98 करे तो ही हमको 9000 आया, 9000 आया, ये तो उससे भी कम है ना, इससे भी छोटा है ना, तो आपको 10000 से कम आना है ना। देखो ये सौ है, समझो 100 × 100 करे तो आपको 10000 आता है, 100 × 100 करे तो 10000 आता, ये दोनों 100 से कम है ना, तो आपको आंसर 10000 से छोटा आना है ना, 10000 से बड़ा कैसा आया भैया, समझ में आया? तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से पूरा सुनना, पहले अच्छा सुनो फिर आप थोड़ा सोचो फिर बोलो, ठीक है? तो इसीलिए देखो क्या कर रहा हूं, 92 आपको ये समझ में आना, आंसर 10000 से कम होना, क्योंकि दोनों 100 से कम कम है, 100 × 100 10000, ठीक है? तो ये दोनों छोटा छोटा है तो 10000 से छोटा आना, ठीक है? देखो इधर अच्छी तरह देखो क्या कर रहा हूं, ठीक है? तो देखो इधर ये वाला 8 कम है, 100 से 8 कम है, वो 8 को आप 85 से माइनस कर दो, 8 को 85 से माइनस करो तो कितना आता, 85 − 8 कितना, 77। वेरी गुड, सो 77, ओके वेरी गुड, 77, ओके वेरी गुड, वेरी गुड, सो 77 आया। फिर उसके बाद देखो यहीं पर है एक अच्छी चमत्कार, तो ये 8 कम है और ये भी 15 कम है, तो फिर दोनों कम कम बोले तो −−+, तो हम बाजू में लिखना, वेरी गुड, ओके, तो हम बाजू में लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे वो भी सोचना, ये 8 है कम और ये 15 कम है, तो 15 × 8 करे तो 120 आता है, 127 और 77 23। देखो देखो सुनो, इसलिए ठीक है आपको 120 आया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम 100 से कर रहे हैं ना, दोनों नंबर 100 के पास पास में है, तो जब या तो हम क्या करना, हमको सिर्फ दो नंबर इधर लिखना, हमको तीन नंबर आया है, हमको दो नंबर ही चाहिए लेकिन हमको तीन नंबर आया, तो आप क्या करना, भगवान हमको क्या बोलता है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आपको जितना चाहिए खाने के लिए उससे भी आपके पास ज्यादा पैसा है, तो आप बाजू वाला को दे दो, आपके घर के बाजू कोई है उसको दे दो, आपके पास कई को रखते हैं ज्यादा, तो वैसे ही इधर 20 लिखो, एक एक्स्ट्रा है ना इसको दे देना, तो ये बनेगा 78, समझ में आया? Yes, sir. Now, ये हाँ, तो इसीलिए आप थोड़ा जल्दी मत जाना, हल्लू देखना, सेम एक ही मॉडल क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट जैसा रहता है, और एक क्वेश्चन देता हूँ ऐसा, थोड़ा प्रैक्टिस करो एक बार, और एक क्वेश्चन देता हूँ देख लो, 93 × 83 या नहीं तो थोड़ा इजी के लिए मैं करता हूँ 93 × 80, चलो 80 कर दिया, थोड़ा इजी वाला कर दिया, चलो अब देखो कैसा करते, तो क्या करो, ये 20 कम है, ये 20 कम है, वो 20 को इधर से निकालो तो कितना आता, 73 आता, ओके अच्छा, फिर उसके बाद 7 कम है, ये 20 कम है, सो कम इंटू कम बोले तो प्लस आ गया, 7 × 20 बोले तो 140, 140 को हम ऐसा लिखना तो ये बनेगा, समझा, 7440। हाँ आप अभी आपको समझ में आ गए ना, हाँ, अच्छा ओके, नाउ मैं बड़ा नंबर, कोई तो आप पूछा था बड़ा नंबर है तो कैसा करना, तो मैं बड़ा नंबर का भी बताता हूँ, ठीक है ना सर, या बोलो, हाँ बोलो सर, आपने पहले वाले सम में 75 को 78 क्यों बनाया था, एक बार ये समझाना दोबारा, किसके किस में, ये 77 को, हाँ ये वाला क्या,
यस सर। देखो पहले हमको 77 था और हमको 120 आया था ना, तो 120 को हम क्या लिखना पड़ता, हमको सिर्फ दो नंबर ही चाहिए ना। क्यों हमको दो नंबर क्यों चाहिए बोले तो, आप ऐसा याद रखो, हम 100 रेफरेंस ले रहे ना, जब हम 100 रेफरेंस लेते हैं हमको सिर्फ आंसर लिखते वक्त दो दो नंबर के रूप में लिख रहे हर बार। ओके थैंक यू सर। हाँ समझ में आया ना। हाँ जी सर। हाँ हाँ बोलो सर। 140। हाँ ठीक है समझ में आ गए ना। ये 140 कैसा है, ये कैसा आया पूछ बोल रहे क्या आप, पूछ रहे क्या नहीं, ये कैसा आया पूछ रहे क्या आप, क्या पूछ रहे। हाँ देखो ये 100 से 7 कम है और ये 100 से 20 कम है, तो 20 इंटू 7 कितना 140 है ना, समझा समझा। यस सर। ओके ठीक है ना, तो ओके ओके सो अब हम थोड़ा बड़ा, अभी मैं जो नंबर्स बोला आपको ये दोनों नंबर 100 से कम है, अब मैं बोलूंगा दोनों नंबर 100 से बड़ा है, दोनों नंबर 100 से बड़ा है तो क्या करना, अब मैं बोलता हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो। आप ऐसा एक लाइन ड्रा कर दिया क्या, आप सब लोग ड्रा कर लिया आप? Yes. सब लोग ऐसा ठीक है, आप अच्छी तरह लिख लो, मैं बाद में पूछूंगा आप क्या लिखा बोल के, आप मेरे को दिखाना पड़ता बाद में, ठीक है। ओके तो अभी 100 से ज्यादा है, ले लो एक नंबर 102 × 105। ओके और एक नंबर बोलता हूँ 107 × 108, ठीक है ना, देखेंगे क्या करना कैसा करना इधर, ठीक है ना। हाँ मैं सेंड करता हूँ, डोंट वरी, आप मेल आईडी दिया ना, मैं मेल आईडी पे देता हूँ, कोई लोग फोन नंबर दिया फोन नंबर पे भी मैं सेंड करता हूँ। एक घंटे के बाद बोल तो, क्लास होने के बाद एक घंटा लगता है पूरा रिकॉर्डिंग करने के लिए, बोल तो सेव करना वो सब के लिए, फिर उसके बाद मैं सेंड करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना। हाँ अच्छा तो आप इधर देख लीजिए, ठीक है ठीक है, तो आप इधर देख लीजिए ये कैसा करना, पहले बार कर रहे हैं ना तो मैं पूरा स्टेप्स बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं सभी स्टेप्स बताता हूँ, लेकिन एग्जाम में आप शॉर्टकट भी कर सकते, तो पहले सुनते रहो। ये 100 से 2 ज्यादा है सो प्लस 02 लिखो, ये 5 ज्यादा है तो प्लस 05 लिखो। ओके अभी फिर ऐसा ऐसा करो, 102 प्लस 5 कितना, 102 प्लस 5 कितना, हाँ ओके 107। देख लो जो 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 लोग मेरे को नंबर दिया मैं उनको देखो, अभी अक्षज बोल के कोई पूछ रहा है, आपका नंबर मेरे पास है तो मैं सेंड करता हूँ, नहीं तो मैं ऑर्गेनाइजर को सेंड करता हूँ, आप ऑर्गेनाइजर से ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अगर आपका नंबर मेरे पास है तो मैं सेंड करता हूँ, आपका नंबर नहीं है मेरे पास, मैं ऑर्गेनाइजर जो है उसको सेंड करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, बाद में, ठीक है ना, अभी लेट अस, अभी ऐसा डिस्टर्ब मत कर लो, आप पहले ये क्लास सुन लो, मैं बाद में सेंड करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी आप, ठीक है ना। हाँ या नो, आप दो दो बार टाइप भी मत करना, ठीक है, मैं देख लेता हूँ बाद में, ठीक है, नहीं तो आप ऑर्गेनाइजर से ले सकते हैं, ओके डोंट वरी आप, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देख लो अभी 102 प्लस 5 तो 107 हो गया, फिर उसके बाद क्या करना, प्लस इनटू प्लस, प्लस इनटू प्लस क्या होता है, प्लस प्लस होता है, तो जब प्लस होता है हम बाजू में लिख सकते, ठीक है, तो फिर 5 × 2, 5 × 2 कितना है, 7, 5 × 2 10, तो आंसर क्या हो गया 10710, दिस इज द आंसर। ओके और एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, और हमको दो डिजिट है तो बस है ना, तो दो डिजिट आ गया तो ऐसे रहने दो। फिर इधर देखो ये 7 ज्यादा है, अभी मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, देखो ये 7 ज्यादा है, तो ज्यादा है ना, वो 7 को इधर ऐड करो, देखो ज्यादा है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, पिछले प्रॉब्लम्स में कम था, कम है बोल के मिस किया, आंसर इज 11,556। ठीक है ठीक है, आप कैलकुलेटर मत यूज करना भैया,
दिमाग यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं? नहीं, काउंट की है। आप अपना आप अपना दिमाग से बोल रहे हैं या कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं बाजू में? नोट पे, डायरी पे कैलकुलेट किया। ऐसा मत करना, आप अपना दिमाग को यूज करना, ठीक है ना? आप फोन यूज करके नहीं बोलना, फोन पे टाइप करके मैं नहीं बोलना, आप अपना दिमाग। डायरी में गिन के किया। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, देखेंगे कैसा करना बोले तो। देखो ये सात ज्यादा है तो वो सात को आप इधर ऐड करो, तो सात को इधर ऐड करे तो आपको कितना आता बताओ? 115 होता। फिर उसके बाद क्या करना, ये सात ज्यादा, ठीक है, और ये भी ज्यादा, तो ज्यादा ज्यादा बोले तो प्लस प्लस, तो प्लस इनटू प्लस प्लस होता, तो बाजू में लिख सकते हैं। फिर ये सात है, ये आठ है, तो सात इंटू आठ, ठीक है, तो आंसर इज 115 56, ठीक है ना? और एक प्रॉब्लम देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनते रहो। 112 into 115, मैं चाहते चाहते ही थोड़ा देखो, अभी हम सौ से थोड़ा दूर दूर जा रहा है, ये सौ से थोड़ा दूर चले गया, ठीक है, ये तो सौ से बहुत बहुत पास पास में है, इधर थोड़ा दूर दूर चले गए, ठीक है, लेकिन हाँ बताइए बताइए। हाँ यस यस मैम, सर संध्या क्लास एक्चुअली क्या है, 6 PM पे संध्या क्लास स्टार्ट हो जानी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी वाइंड करेंगे, ठीक है, तो धन्यवाद सबको, धन्यवाद, अगले दिन देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना? आपको दूसरा क्लास भी है तो हम दूसरे, हाँ ठीक है, धन्यवाद, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना?